हमारे कार्यक्रम में हमारी बहन वसुंधरा दीदी यहाँ नहीं है, उन्हें यहाँ न होने की बहुत पीड़ा है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा और मुझसे भी कहा। परसों जब वो दिल्ली आई थी तो मैं खुद देख रहा था, बड़ी अजीब सी कमजोर सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी आज अध्यक्ष जी से कि वसुंधरा दीदी इतनी कमजोर क्यों लग रही थी। यह उनका कार्यकर्ता बोध था। हमारा एक विधायक, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे बीच में आज नहीं है, वो उससे मिलने गई। मिलने के बाद उन्हें दिल्ली की बैठक में आना था। 700 किलोमीटर की यात्रा सड़क से पूरी करके वो दिल्ली पहुंची थी। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। 10 साल यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं, बहुत सारे विभागों को उन्होंने संचालित किया है। मैं कम से कम 2 विभागों की चर्चा कर सकता हूँ। एक तो जिसे आजकल हम लोग MSME विभाग कहते हैं, उस समय उसका नाम MSME विभाग नहीं होता था। खरीदी और टेंडर में गरीब और छोटे व्यवसायियों के माल को खरीदने की प्राथमिकता दी जाए, बड़े उद्योगपतियों को या सरकार को भी छोटे उद्योगपतियों के उत्पाद को खरीदने की बाध्यता की जाए। पहली बार यह रिजर्वेशन इस देश में वसुंधरा जी ही लेकर के आई थी जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी, और 98 में पहली बार सांसद बनी, और बनते ही मान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बन गई। मैंने कहा ना, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। मार्च में सांसद बनी और मई में आप सबका सौभाग्य है, 5 बार विस्फोट करके हमने पूरी दुनिया को एक चुनौती दिया था कि भारत की यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने हित के खिलाफ जाने को कतई नहीं तैयार है, और भारत की ओर से सबसे मजबूत लड़ाई करने का काम एक विदेश राज्य मंत्री के रूप में आपकी वसुंधरा दीदी ने किया था। मैं उनके ऊपर और उनकी उपलब्धियों पर भी बोलूं तो बोलता रह जाऊंगा, कभी मौका आएगा तो उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हक है उनका, बहुत कुछ दिया है उन्होंने इस राजस्थान को। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनका एहसान मानना चाहिए। कम से कम एक योजना की चर्चा मैं जरूर कर दूंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। भामाशाह योजना, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने भामाशाह योजना को आयुष्मान भारत योजना के नाम से उनसे प्रेरणा लेकर के प्रारंभ किया।